Welcome to Blind Tech Official. प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और टेक्नोलॉजी की लेटेस्ट ट्यूटोरियल्स को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड वीडियोस को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निखिल और आज हम देखेंगे कि एनवीडीए के एडवांस को हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। जैसे हमें किसी वजह से एनवीडीए का एडवांस, एक आधा एडवांस हमें अभी रिमूव कर देना है या डिसेबल करना है, या फिर हमने कुछ दिनों पहले कोई एडवांस इंस्टॉल किए थे पर बाद में हमने उनको डिसेबल कर दिया था, अब फिर से हमको उसको अनेबल करना है, तो ये सारी चीज़ें हम कैसे मैनेज कर पाते हैं एनवीडीए के साथ, तो आज हम ये देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए मेरे पास है विंडोज 7 और एनवीडीए 2018 का है और साथ में मैं इसके साथ एलेक्सा भी चला रहा हूँ। तो अब हम देखते हैं कि एनवीडीए के एडवांस को हम कैसे मैनेज कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे एनवीडीए के मेनू में और फिर हम वहां से उसके आगे के ऑप्शन देखेंगे। एनवीडीए मेनू, इंसर्ट एंड से एनवीडीए मेनू किया, इंसर्ट प्लस एन दबाया, एनवीडीए मेनू आ गया। अप डाउन एरो से नीचे ऊपर जाके देखेंगे एक बार। प्रेफरेंसेस सब मेनू थी, टूल सब मेनू थी, टूल सब मेनू में जाना है हमें। ये सब मेनू है इसलिए हम इसको राइटर से ओपन कर लेंगे। मैनेज एडवांस ए, तो यहाँ पे हम एंटर मार देंगे। Add-ons manager dialog, installed add-ons list, OCR, status, running, version 0.201205 to 9.01, author, MV access limited and other contributors 1 to 3. देखिए मेरे पास, मैंने तीन एडॉन इंस्टॉल करके रखे हैं और यहाँ पे क्या क्या बता रहे, एडॉन का नेम, स्टेटस और ऑथर। तो स्टेटस रनिंग है, नेम जो है वो आपने सुना होगा, POCR, status running, version 0.201205 to 9.01, author, MV access limited and other contributors 1 to 3. ठीक है, तो दोस्तों भी आपको बता दूं कि मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से एडॉन इंस्टॉल करके रखे है और इन्हीं तीन एडवांस के भरोसे हम देखेंगे कि हम ये जो रिमूव करना है, डिसेबल करना है, अनेबल करना है, ये कैसे करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एनवीडीए के एडवांस को भी इंस्टॉल करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हम एक तरीका ऐसा है कि एक यानी कि हम इसमें जैसे हम अपने पीसी में जाते हैं, अपने पीसी में हमारा एडवांस हमने जहाँ भी जहाँ कहीं पर रखा है वहाँ पर जाकर हम लोकेशन यानी अपने परफेक्ट लोकेशन पे जाकर एडवांस पर एंटर मार के हम उसे इंस्टॉल कर लेते हैं। और दूसरा तरीका ये भी है कि हम एनवीडीए के मेनू में जाके, टूल्स मेनू में जाके, मैनेज एडवांस में जाके यहाँ पे इंस्टॉल एडवांस बटन भी आता है। आप जैसे आप समझो आपने अभी तीन चार एडवांस इंस्टॉल कर लिए एनवीडीए के, उसके बाद आप कोई भी एडवांस पर जाइए, अगर वहाँ पे यानी यहाँ पे हर एडवांस पर इंस्टॉल बटन मिलता ही है, तो आप कोई भी एडवांस से इंस्टॉल बटन पर जाकर फिर आपको इस चूज फाइल का डायलॉग ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको ट्रिव्यू या आइटम व्यू में से अपना एडवांस सिलेक्ट करना पड़ेगा और बाद में हम उसको वहाँ पे ओपन बटन आता है टैप करने के बाद, तो हम उसे इंस्टॉल कर पाते हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम अनेबल डिसेबल करना देख लेते हैं। तो ये अपना पहला एडवांस जो है OCR, status, running, version 0.201205. इसको हम देखते हैं, यहाँ पे भी टाइप करेंगे, आगे जाएंगे टाइप करके तो देखेंगे यहाँ पर कौन से ऑप्शन आते हैं। चलिए मैं आपको एक एक ऑप्शन पूरा समझा देता हूँ। अबाउट एड ऑन में जाके देखते हैं, इसमें इसका पूरा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। एक एंटर मार देते हैं यहाँ पर। Add-on information dialog OCR, author version 0.201205 to 9.01, author, MV access limited and other contributors description, performs optical character recognition, OCR to extract text from an object which is inaccessible, the Tesseract OCR engine is used to perform OCR, move to the object in question using object navigation and press NVDA plus R, you can set the OCR recognition language by going to the NVDA preferences menu and selecting OCR settings, OK button.
ठीक है, ओके बटन है, ओके कर देते हैं। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन था इसका, बाकी अबाउट में कुछ नहीं रहता है। Add-ons manager dialog, installed add-ons list, OCR. देखिए जब हमने मैनेज एडॉन्स पे एंटर मारा तो ये सबसे पहले लिस्ट ही आ जाती है पूरी, कि लिस्ट में दिखाता है कि हमारे पास कितने एडॉन्स अभी पीसी में एनवीडिया के साथ है। फिर इसमें हमको इनका स्टेटस भी पता चल जाता है। तो अभी और टाइप करके आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी समझो आपको इस एडॉन को डिसेबल करना है तो डिसेबल कर सकते हैं। एक बार में हम डिसेबल पे मार देते हैं एंटर, स्पेस भी चलेगा, एंटर भी चलेगा, दोनों चलेंगे। और देखिए जैसे हम डिसेबल पे एंटर या स्पेस बार प्रेस कर देते हैं तो यहीं पर ये अनिवार्य एडॉन का बटन बन जाता है। तो अभी यहाँ से हम टैप करेंगे इंस्टॉल बटन नोट प्लस आई। हाँ तो देखिए हमने अभी शुरू में इंस्टॉल की बात की थी आपको, मैंने जैसे बताया कि कोई भी आप जो कोई भी एडॉन हो इंस्टॉल बटन आप कोई भी एडॉन पर जाकर प्रेस कर सकते हैं, आपको एडॉन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन मिल जाएंगे। तो चलिए इसको भी एक बार अप्लाई करके देखते हैं। Choose add-on package file dialog file name combo box collapsed edit alt plus ed blend. यहाँ पे ये जो डायलॉग आ गए हैं अब हम files of type combo box media add-on package start dot media add-on collect alt plus t हम टैब से आगे बढ़ेंगे। Open button alt plus o. देखिए अब इंस्टॉल करने का तरीका तो मैं बताऊंगा क्योंकि काफी आसान है दोस्तों। आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको आइटम व्यू में या फिर ट्रिव्यू को आपको ट्रिव्यू या इन दोनों में से आपको जो इजी जाता है उसका यूज करके आपको अपनी फाइल तक पहुंचना है एडॉन की पैकेज फाइल तक। और बस आप उस फाइल पर एक बार आ गए कि आपको ये जो था ना Files of type, file name, combo box collapsed, edit alt plus n. यहाँ पर उस फाइल का नेम आ जाएगा और बाद में हम जो ओपन बटन है वहाँ पर आप अगर एंटर मारते हैं तो वो इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। ओपन बटन पर एंटर प्रेस करने के बाद आपको एक बार यस नो पूछेगा इंस्टॉल करने के पहले, आप वहाँ पे यस कर देना। बाद में एनवीडिया रिस्टार्ट का डायलॉग आ जाएगा, आपको फिर रिस्टार्ट करना है एनवीडिया को, फिर एड ऑन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा और बाद में वो आपको मैनेज एड ऑन्स के लिस्ट में वो जो एड ऑन हमने अभी जो आपने आप जो इंस्टॉल करेंगे तो उसका नाम आपको दिखाएगा और उसका स्टेटस वर्जन जो भी है सब कुछ दिखा देगा। तो इस डायलॉग से हम फिलहाल बाहर आ जाते हैं। देखिए रिमूव कर सकते हैं, चलिए हम इसी को रिमूव कर करके देखेंगे इसको या फिर और किसी दूसरे एडॉन को। हाँ ये भी एक बटन आता है यहाँ पे दोस्तों जो गेट एडॉन्स बटन है। यहाँ पे फिलहाल हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग ऑफलाइन में कर रहा हूँ तो इसके लिए ये इंटरनेट कनेक्शन रिक्वायरमेंट है इसकी। तो क्या हो जाएगा कि गेट ऑर्डर पर हम क्लिक कर देंगे तो ये ऑनलाइन जो एनवीडिया के वेबसाइट पर जो भी एडॉन्स अवेलेबल है वो सब उधर वेबसाइट पर लेके जाएगा और हमें दिखाएगा। तो फिलहाल ये नहीं करेंगे पर आप इसे करके देख सकते हो। आपको अगर और कोई एडॉन चाहिए हो एनवीडिया का तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी जा सकते हो। अगर आपको सर्च करने पर नहीं मिल रहा है या फिर आपको नहीं समझ रहा है एनवीडिया के एडॉन्स कैसे डाउनलोड करने हैं इंस्टॉल करने हैं तो आप इस तरीके का इस रास्ते से भी आप जा सकते हैं। और आगे बढ़ेंगे क्या आता है क्लोज बटन से कुछ नहीं क्लोज हो जाएगा ये डायलॉग। और आपने एडॉन में कुछ चेंजेस किए होंगे डिसेबल एनेबल या फिर कुछ इंस्टॉल वगैरह किए होंगे खरा एडॉन तो आपको एक बार एनवीडिया रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। ठीक है देखिए हमने डिसेबल कर दिया तो स्टेटस भी बदल गया। अब क्या करेंगे कि अभी तो हमने एनवीडिया को रिस्टार्ट नहीं किया है तो अब हम इसके इस डायलॉग के जब बाहर जाएंगे ना क्लोज बटन कर देंगे या फिर अल्टर F4 कर देंगे या फिर आप खाली एस्केप भी दबाओगे ना तो आपको एनवीडिया रिस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। फिलहाल तो नहीं मंगाया उसने क्योंकि हम अभी भी इस डायलॉग में वर्क कर रहे हैं इसलिए तो रिस्टार्ट करना जरूरी है तब वो हो जाता है परफेक्ट। अब चलिए अप डाउन एरो से नीचे के एडॉन पे आ जाते हैं
अब हम सिर्फ डाउन एरो प्रेस करेंगे। PDF the text status suspended version 1.0 author Dona Ruiz Martinez less NRM 1977@mail.com greater 203। अब देखिए इसका स्टेटस क्या है, सस्पेंडेड। तो ये ऐसा क्यों दिख रहा है, एक्चुअली इसको भी जान लेते हैं। टैप टैप से आगे बढ़ेंगे हम, टैप का बटन प्रेस करते हुए। अबाउट बटन तो आपको अभी पता ही चल गया होगा कि इसमें इस एड ऑन की इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी। और आगे बढ़ेंगे, हाँ तो देखिए दोस्तों ऊपर है डिसेबल, जो OCR का हमने एड ऑन अभी डिसेबल किया मैंने आपके सामने, तो डिसेबल है वहाँ पे आपको अनेबल बटन मिलेगा आपको करने के लिए। पर यहाँ पर इस एड ऑन का स्टेटस सस्पेंडेड दिख रहा है, ना कि डिसेबल नहीं दिख रहा है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमने अभी तक NVDA को रिस्टार्ट नहीं किया है, यहाँ से हम इस डायलॉग से हम पूरी तरह से बाहर गए ही नहीं। अगर हम ऐसा करते तो वो जो ऊपर जो हमने OCR वाला एड ऑन देखा वो भी सस्पेंडेड ही दिखाया रहता था। तो यहाँ पे देखिए बटन कौन सा है अभी, अच्छा चलिए इसको अनेबल करके देखेंगे। मैं आपको पहले बता दूं कि मैंने आपको दिखाने के लिए पहले से ऐसे एक एड ऑन को मैंने डिसेबल करके रखा था और दो को रनिंग में रखा है। अभी देखिए अनेबल पे स्पेस बार प्रेस कर दिया तो अभी डिसेबल बटन आ गया, पर स्टेटस क्या रहेगा अभी देखेंगे हम इसका। रिमूव भी कर सकते हैं, आपको अनेबल डिसेबल दोनों नहीं चाहिए, डायरेक्ट आपको एड ऑन को रिमूव कर देना है यहाँ से, तो हम रिमूव कर देंगे। और देखिए दोस्तों आपको एक बात बता देना चाहूंगा, यहाँ पर आप इस एड ऑन का जो रिमूव बटन है उसका मतलब कि यह एड ऑन डिलीट हो जाएगा पीसी से, ऐसा मतलब बिल्कुल भी मत निकालना। ये सिर्फ यहाँ से रिमूव हो रहा है, पीसी से वगैरह डिलीट नहीं होता है। अभी देखिए अब हमने भी अभी अनेबल तो कर लिया, फिर भी हमने इस डायलॉग के बाहर नहीं गए हम, और NVDA को रिस्टार्ट भी नहीं किया, फिर भी इसलिए इसका स्टेटस जो है रनिंग में नहीं दिखा रहा है। तो चलिए अब क्लोज बटन का यूज करके देखते हैं। Welcome to NVDA dialog. Welcome to NVDA. Most commands for controlling NVDA require you to hold down the desktop. देखिए दोस्तों जैसे हमने रिस्टार्ट पे एंटर मार दिया तो एंटर प्रेस करने के बाद क्या हुआ कि वो पूरा डायलॉग चला गया। अब हम क्या करेंगे कि इंसर्ट एंड से NVDA का मेनू ओपन करेंगे और फिर से टूल्स मेनू में जाकर मैनेज एडवांस में जाकर देखेंगे कि अभी वहाँ पर स्टेटस क्या दिख रहा है। NVDA menu. Preferences submenu key. Tools submenu T. View log V. Speech viewer S. Python console P. Manage add-ons A. देखिए टूल्स मेनू में हमने राइटर से वो क्लोज था ओपन कर दिया था, अभी Python manage add-ons A. Manage add-ons A पे एंटर मार देंगे। Add-ons manager dialog. Installed add-ons list. OCR. Status suspended. Version 0.201205 to 9.01. Author NV access limited and other contributor. अब जिसको पहले हमने डिसेबल किया था अभी इसका स्टेटस अभी सस्पेंडेड हो गया। PDF the text status running version 1.0 author Dona Ruiz Martinez less NRM 1977@mail.com greater 203. और इसको ये जो एड ऑन है इसको मैंने आपको दिखाने के लिए पहले से डिसेबल करके रखा था, फिर अनेबल करने के बाद ये रनिंग में आ गया। अब नीचे आएंगे रिमोट सपोर्ट स्टेटस रनिंग वर्जन 2.1 ऑथर टाइलर स्पाइनी लेस स्पाइनी डेस्क.नेट ग्रेटर क्रिस्टोफर टॉप लेस क्यू कंटिन्यूम.नेट ग्रेटर 3 of 3। अब इस एड ऑन पे हम देख लेते हैं, रिमूव इसको हम रिमूव करके देख लेंगे। About add-on, but mode plus A, add-on note, but mode plus H, disable add-on, but mode plus D, install, but mode plus I, remove, but mode plus R, state remove add-on dialog, are you sure you wish to remove the selected add-on from NVDA, yes, but mode plus Y, no, but mode plus N, yes, but mode plus Y. ठीक है, yes पे focus रहते हुए space bar को press कर देंगे। Add-ons manager dialog, installed add-ons list, remote support, status, remove, version 2.1, author, Tyler Spivey, less Spivey, desk.net greater, Christopher Todd, less Q of Q, continuum.net greater, 3 of 3, अब क्या हो गया कि स्टेटस रिमूव में बदल गया।
अब हमें फिर से एनवीडी को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। चलिए मैं सिंपल एस्केप दबा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। Restart NVDA dialog changes were made to add-ons. You must restart NVDA for these changes to take effect. Would you like to restart now? Yes, but mode plus Y. State add-ons desktop. Welcome to NVDA dialog. Welcome desktop. देखिए दोस्तों, आपको इतने बताना चाहूंगा कि add-on में हम जो भी changes कर रहे हैं, यहाँ पर close button चलेगा, alt F4 भी चलेगा और escape भी चलेगा। इन तीनों में से किसी को किसका भी यूज कीजिए, आपको एनवीडीए एक बार रिस्टार्ट करने के लिए पूछेगा। अब चलिए फिर से एक बार इसका स्टेटस देख लेते क्या है। NVDA menu, preference tools up menu, log, speech, Python console, manage add-ons manager dialog, installed add-ons, PDF to text, OCR, PDF to text, OCR। अब देखिए यहाँ पे दो add-on बचे हैं, पहले हमारे पास तीन थे तो रिमोट वाला हमने निकाल दिया, वो यहाँ से निकल गया। List, तो फिर ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर करना, बाकी दोस्तों को भी समझाना, और थैंक यू। Hope you like this video. If you have any questions or suggestions, then you can comment below, and you can email us for any help. My email is blintech.info@gmail.com. That is blintech info@gmail.com.